फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रम स्पेशल मलिदा। और मलिदा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, और क्या तरीका है मलिदा बनाने के लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या सामान लिए वो मैं बता देती हूँ। ये सबसे पहले हमने गेहूँ का आटा लिए है, मैदे का आटा नहीं है, गेहूँ का आटा है। ये 1.5 कप ये हमने गेहूँ का आटा लिए है। और ये हमने तिल लिए है, तिल को हमने भूंज के रख लिए है। और नमक टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, नमक हमने सिर्फ 1 चम्मच लिए है, वो भी छोटा वाला चम्मच। और ये घी हमें हमारी ये क्या बोलते हैं भाखरी बनाने के लिए, जिससे हम अभी मलिदा बनाएंगे। और ये हमने कोकोनट लिए है, इसको ड्राई हमने भूंज लिए थे और इस तरह से बारीक लंबे लंबे स्लाइसिस में उसको घस लिए थे। और ये गुड़ है, ये पूरा 1 बाटी गुड़ है जिसको हमने कद्दूकस करके रख दिए है। और ये ड्राई फ्रूट है, काजू और बादाम, जिसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और ये तेल, तेल हमें अभी इसमें अभी लगेगा आटे में, हमें आटा गूंदने के लिए। और पानी 1 गिलास, 1 गिलास से कम पानी लगेगा, जितना गूंदने में लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, पहले हम आटे में इस तरह से आटा पूरा मिला लेंगे। मिलाने के बाद नमक हम पूरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। नमक ज़्यादा मत लीजिएगा। देखिए, मिलाने के बाद ये जितना हमने पूरा तेल लिया है, ये पूरा ही तेल डालना है, कम तेल नहीं डालना है। पहले हमें ये तेल से पूरा आटा मोइन कर लेना है, यानी कि ऐसा कि हाथ में अच्छे से आ जाए। देखिए, इस तरह से पूरे आटे में तेल मिला लेना हमें। मिलाकर जिस तरह से हम पराठे के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से ये आटा गूंदना है। मैं आपको आगे गूंद के बताती हूँ कि हमारा आटा कैसा गूंदा गया है। देखिए गाइस, ये हमारा आटा गूंद के रेडी हो गया था। अब इसको हम बेल रहे हैं। इसमें आटा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मलिदा बनाया जाता है उसमें ये आटा वगैरह नहीं लगता है, सूखा आटा, ये इसको ऐसे ही बेला जाता है। सेम इसी तरीके से मलिदा बनाया जाता है। कई लोग पराठा बनाकर या रोटी ऐसी सादी बनाकर उसमें घी डालकर ऐसा बनाते हैं, लेकिन वैसे भी बनता है, लेकिन ये भी एक इजी सिंपल है, लेकिन इसे और भी अच्छा टेस्ट आता है मलिदे में। देखिए, बिना आटे के हमने आटे की डस्टिंग किए बिना ही रोटी बना ली है। अब हम इसको तवे पे अच्छी तरीके से पराठा बना लेंगे। और हम इसमें घी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, हम घी का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें सब जितने भी पराठे हैं पूरा बनाकर आपको आगे बताते हैं आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा। देखिए गाइस, ये हमने रोटी बनाकर इसका ऐसा बारीक बारीक चूरा बना लिए, जैसे चूरमे के लिए हमने हमें ये चूरा बनाना चाहिए, उसी तरीके से हमने ये चूरा कर लिए। अब देखिए, हमने घी में जो हमने घी लिए थे वही घी में हमने गुड़ मिक्स करके उसको पिघला दिए थे। अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे जो हमने ये जो रोटी का चूरा किए हैं, उसको बीच में ऐसा होल्ड करके हम ये पूरा ही ऐड कर देंगे उसके अंदर। देखिए, इसको अच्छे से पूरा हिला के ले लीजिएगा। देखिए, ये हम प्योर खाली गुड़ का ही बना रहे हैं। आप अगर चाहे तो शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर का भी बना सकते हैं। ये हो गया। और ये जो हमने ड्राई कोकोनट और ये हमने तिल लिए थे, तिल भी हम इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे। देखिए, और ये जो हमारे काजू बादाम है वो भी हम अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे पूरे। इसको हम आराम से थोड़ा मिलाते जाएंगे, क्योंकि ये गर्म है, इसको हाथों से ही अच्छे से मिलाइएगा। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, या तो आप ऐसे ही ऐसी रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से माशाल्लाह से बन गया है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ कि हमारे चूरमा यानी हमारे मलिदा कैसा बना है। देखिए गाइस, हमारा मलिदा लड्डू बन के और ये मलिदा का जो हमने चूरा भी बन के बनाकर तैयार कर दी है। आप भी अपने घर में से इसी मेथड से एक बार बनाकर देखिए, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। और बनाने में भी बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं लगता है, बस थोड़े बहुत सामान में भी इजीली बन जाता है। आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए
आपको मेरी मलिदे की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।